पिछले दो एपिसोड में आपने देखा अंजू बच्चों के साथ घर में अकेली है, तभी कोई अजनबी दरवाजे पर बार बार दस्तक देकर अंजू को डराता है। अंजू दरवाजा नहीं खोलती, इतने में बच्चे घर से गायब हो जाते हैं। साधना और राज अंजू को बुरा भला कहते हैं, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। 5 साल बाद अचानक अंजू की अलमारी से खून से लथपथ बच्चों के कपड़े मिलते हैं। पुलिस अंजू की बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन संजना और एस के सिंह अंजू की हर बात सच मानते हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अचानक 5 साल बाद बच्चों के कपड़े अंजू की अलमारी में कैसे पहुंचे। अब आगे देखते हैं। Hello? Anju? Just relax. I said cool down. Cool down. Uncle, घर में कोई है? तुम एक काम करो, अपने कमरे की लाइट बंद कर दो। हाँ, और सारे घर में घूम कर खुद अपने आप देखो कि कौन है। क्या? अभी तुम कमरे से बाहर निकलो। चलो। अंजू, अभी कहाँ हो तुम? हॉल में कोई भी नहीं। वेरी गुड, आगे बढ़ो। अंजू, अंजू, देखा, तुम खामखा घर आ रही थी। अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम से दरवाजा बंद करके अंदर से सो जाओ। सुबह मिलेंगे। जी। ओह माय गॉड, अंकल, अंकल। क्या हुआ? चीज तो रह गई। क्या? अलमारी।
अलमारी में कोई नहीं है। कोई नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अभी आ रही हूँ। ओके। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। देखिए आप अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दीजिए। सुन रहे हैं ना मेरी बात? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि दौलत में से हिस्सा देने वाले हैं आप? मुझे गद्दार आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। याद रखे, प्रभाकर बहुत ही कमीना और घटिया आदमी है। ये तो उसी आदमी की आवाज है जो उस रात बार बार मुझे डरा रहा था, जिस रात बच्चे गायब हुए थे। कल हम मिल रहे हैं मड आइलैंड में, देव कॉटेज के बाहर, 10 और 10:30 के बीच। सुन रहे ना आप? डरता है। क्या बात है? कौन सी आवाज, कौन सा अजनबी है? क्या बोल रही हो? रिलैक्स, क्यों क्या हुआ? क्यों साफ साफ बताओ। अभी अभी घर से निकली, कुछ दूर चली ही थी, एक पब्लिक खुद में से मैंने सुरेश नबी की आवाज सुनी। उसी अजनबी की आवाज। कौन सी आवाज, कौन से आदमी की? वही आवाज, 5 साल पहले दस्तक देकर बार बार मुझे डरा रही थी। 5 साल पहले सुनी हुई आवाज तुमने आज पहचानी? वो आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती। I can't believe. मुझे यकीन आता है। I believe. क्योंकि human mind is like a computer. अगर एक बार इंसान अपने जहन में घर कर ले तो उसे 5 साल बाद या 20 साल बाद भी पहचाना जा सकता है। लेकिन लेकिन संजना, अगर उस आदमी की आवाज पहचान भी इसने लिया तो इतने बड़े शहर में आवाज के सहारे उस आदमी को गिरफ्तार करना इम्पॉसिबल। एक मिनट अंकल, फोन पे किसी से बात कर रहा था। कल सुबह मड आइलैंड पे 10:30 बजे देव कॉटेज के सामने किसी से मिलने वाला है। कल सुबह मड आइलैंड देव कॉटेज, इसका मतलब है उसे पकड़ने के लिए हमें अपना जाल बिछाना पड़ेगा। Thank you.
बाराना दे। क्या? ए, कौन है तुम? बाराना दे। बाराना दे। मैं एक छापड़ मारूंगा, बता ठीक से कौन है तुम? अब अपन भिखारी हैं, अक्षय कुमार स्टाइल के भीख मांगते हैं। चुप। अंजू, यही तो आदमी नहीं? जी नहीं अंकल। आर यू श्योर? हाँ। इंस्पेक्टर, यस सर, इसे हवाले में बंद करो, अच्छी तरह पूछताछ करो। ओके। कौन है ये? ओके सर। अरे साहब, चल चलो। अरे साहब, अरे साहब, कहीं उस आदमी को ये पता तो नहीं चल गया कि हम उसके लिए जाल बिछाए हुए हैं? तो इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला उस आदमी का? पकड़ा गया? वो आदमी आया ही नहीं। जाने कब भगवान की मेहरबानी होगी मुझ पे, मुझे अपने बच्चों के बारे में पता चलेगा और वो आदमी पकड़ा जाएगा। ये प्रश्न हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अंकल, मैंने उस आदमी को देखा है, मैं उसकी सूरत अच्छी तरह से पहचान सकती हूँ। तो ये बात बिल्कुल आसान है, हम किसी स्केच आर्टिस्ट को बुला लेते हैं और इनकी कल्पना से उस कातिल का स्केच बना लेते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अगर इसने सही डिस्क्रिप्शन दे दिया और उस आदमी का स्केच बन गया तो उस स्केच के सहारे हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। और कुछ बताइए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। और कुछ? मूछे, मोटी मोटी मूछे थी। हाँ, ये वही आदमी है, बिल्कुल वही आदमी। मिस्टर राज, और से देखिए, इस आदमी को आप पहचानते हैं? आई एम श्योर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये है कौन? ये वही आदमी है जिसे कल रात अंजू ने पहचाना है। आज से 5 साल पहले इसी आदमी ने आपके बच्चों को किडनैप किया। इसका मतलब यही वो आदमी है जो अपराधी है, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। ये तो गिरफ्तारी के बाद पता लगेगा, लेकिन अगर इस आदमी को ये पता चल गया कि अंजू ने उसे पहचान लिया है तो अंजू की जान को खतरा हो सकता है। We'll be right back.
कोई खा नहीं रहा है बट दे शुड बी एट होम। एक बार फिर ट्राई कीजिए। They're in problem. Let's go. Scott. अंकल तुम लोग ठीक तो ना? हाँ अंकल, ये आदमी अंजू को मारने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैं मौके पर आ गई और मैंने उसे डंडा मारकर बेहोश कर दिया और हम दोनों इसे घसीटकर यहाँ ले आए। मिस्टर राज, आखिर खूनी का पता चल ही गया। अब उसके होश में आते ही सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। थैंक यू इंस्पेक्टर। हेलो इंस्पेक्टर, एसके सिंह बोल रहा हूं। खूनी का पता चल गया है, तुम पुलिस फोर्स लेकर तुरंत आ जाओ। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर राज।
तुम्हें हम सबको अंधेरे में रखा, लेकिन ऐसा क्यों किया? Why? आखिर क्यों? अपनी पत्नी की दौलत के खातिर। उसके लिए तुमने अपने बच्चों का खून कर दिया? वो मेरे बच्चे नहीं थे, मेरी पत्नी के पहले पति के बच्चे थे। मैं उनका सौतेला बाप था। क्या? मैंने दोनों के कत्ल के लिए प्रभाकर को हायर किया। उस रात अंजू से प्रभाकर दरवाजे के बाहर से बात कर रहा था, उसे बार बार फोन करने के लिए कह रहा था। जब अंजू पहली बार फोन करने गई, एक डुप्लीकेट चाबी से मैं घर के अंदर घुसा। दोबारा जब फोन करने गई तो बच्चों को उठाकर मैंने प्रभाकर के हवाले कर दिया। तो क्या उस आदमी प्रभाकर ने उन बच्चों का खून किया था? हाँ, दोनों बच्चों को ठिकाने लगाने के बाद प्रभाकर वापस आया, अंजू से बातें करने लगा और मैंने पीछे से अंजू पर हमला किया, ताकि हर एक को यही शक हो कि इस किस्से में दो आदमी थे और किसी को मुझ पर शक नहीं हो। बेशक किसी को तुम पर शक नहीं हुआ, लेकिन 5 साल के बाद बच्चे के कपड़े अंजू के घर में रखवाकर तुमने केस को रीओपन क्यों करवाया? मैंने कपड़े वहां नहीं रखे इंस्पेक्टर साहब, प्रभाकर ने रखे। वो मुझसे दौलत में हिस्सा मांगने लगा, मैंने इनकार किया, उसने धमकी दी, मैं झुका नहीं। फिर उसने बच्चे का कपड़ा अंजू के घर पे रखा और केस रीओपन करवाया। जब मैं उसके साथ समझौता करने के लिए तैयार हुआ और फोन पर उससे बात कर रहा था, तो अंजू ने बात सुन के उसकी आवाज पहचान ली और इसीलिए प्रभाकर अंजू को मारने के लिए यहां आया और हमारी गिरफ्त में आ गया। लेकिन मौका पाते ही तुमने उसे मार दिया, ताकि पुलिस के सामने जबान न खोल सके, तुम्हारे बारे में कुछ बोल न सके। मिस्टर राज, कानून की सजा उस बाप के लिए काफी नहीं होगी जिसने दौलत की लालच में मासूम बच्चों का खून कर दिया हो। सौतेले ही सही, बच्चे तो बच्चे होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कानून तुमको सख्त से सख्त सजा दे, ताकि तुम जैसे मुजरिमों के लिए वो एक सबक बन सके। आखिर कौन, 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 आख